सर बिना काम धंधे दिक्कत हो रही है। कोरोना से पहले काम धंधा था ही चलता था। पिछले लॉकडाउन में राशन भी आता था, साबुन तेल सब दे के जाते थे। अब की बार जब से लॉकडाउन लगा ना, किसी ने कुछ नहीं दिया। घर में इस रूम में इस कमरे में कितने लोग रहते हैं? हम पूरा परिवार रहता है सर, 8-10 लोग इसी कमरे में रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित वर्मा, आप देख रहे हैं खिचड़ी द न्यूज़ चैनल। दोस्तों कुछ दिन पहले मैं अपने घर में बैठा था, दिल हुआ ठंडा पानी पीने का। मैंने फ्रिज में देखा तो बॉटल्स नहीं थी। मैंने पूछा कि बॉटल्स नहीं ठंडे पानी की? मुझे कहा गया कि कोरोना काल चल रहा है और वायरल भी चल रहा है, इसलिए हमने ठंडा पानी रखना बंद कर दिया। इन्फेक्शन हो जाता है, गला पकड़ लेता है, तो उससे फीवर भी हो सकता है। और डॉक्टर्स भी यही बोलते हैं कि अभी ठंडा पानी अवॉइड करें, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, ठंडी चीज़ें भी नहीं खानी चाहिए। तो मेरे घर वालों ने कहा कि एक मटका ले आओ, मटका लाकर आप उसको घर में भर कर रख देना, पानी थोड़ा ठंडा मिलेगा नॉर्मल से ज़्यादा, और आपको थोड़ी अच्छी खुशबू भी आएगी, जो मिट्टी की खुशबू होती है, मटके में आपने पानी पिया होगा एक अच्छी सी खुशबू भी आती है, वो भी आ जाएगी। लेकिन मैं मटका नहीं लेने गया, क्योंकि मुझे डर था कि मैं बाहर जाऊँगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, कोरोना ना हो जाए, इस वजह से मैं मटका लेने नहीं गया। एक डर रहता है दिमाग में, जहन में, आप बाहर जाओगे तो कोई कोरोना का इन्फेक्शन, किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो जाए आपको। मैं ही नहीं, इसी तरह से आजकल सभी लोग सोच रहे हैं, और यही वजह है कि जो ये मटके बेचते हैं जिनका, उनके पास आजकल रोज़ी रोटी के भी लाले पड़ रहे हैं। एक परिवार के पास अभी हम आए हैं, तो मंशा मेरी यही है, मकसद मेरा यही है कि मैं इनकी जो दिक्कत है वो सरकार तक पहुँचा सकूँ, लोगों तक पहुँचा सकूँ, कि ये पीक सीज़न होता है मटके का या फिर मिट्टी के बर्तनों का, लेकिन इनके पास लेने वाले लोग ही नहीं है, तो इनकी रोज़ी रोटी पे कैसे इस वक्त संकट आया हुआ है। क्या नाम है भैया आपका? राहुल। राहुल, राहुल भाई एक बात बताओ, यह पूरा परिवार आपका रहता है? सर बिना काम धंधे दिक्कत हो रही है, काम धंधा नहीं है, बिल्कुल काम धंधा नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो सुबह कोरोना की वजह से, कोरोना की वजह से नहीं तो कोरोना से पहले काम धंधा था ही चलता था। आप पूरे पूरे दिन बैठे रहते हैं, 100-150 रुपये का मुश्किल सेल होती है, खाली एक टाइम की रोटी बन जाती है बस, और शाम का कोई पता नहीं बनेगी नहीं बनेगी। तो कोरोना से पहले काम ठीक चल रहा था? हाँ, उससे है दो टाइम की बन जाती थी कोरोना से पहले, इंतजार में बैठे रहते कोई जाओ कोई आओ, वैसे डर भय भी है कोई बीमारी वाला ना आ जाए। अच्छा, ये भी डर है। अब भूख पेट को क्या डरेगा, पेट को तो कमाना है। कब से बिका नहीं है बिल्कुल भी सामान? ये 3-4 महीने हो गए सर, 3-4 महीने से कुछ काम ही नहीं है, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। राशन दूसन दे जाते थे, अब राशन भी नहीं देके जाता कोई, अब कोई राशन भी नहीं देके जाता। कितने बच्चे हैं आपके? दो लड़के। दो लड़के हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई कर रहे हैं वो भी। तो स्कूल की फीस वगैरह जो राशन पानी होता है, अब कैसे मैनेज करते हो? छुट्टी करवा रहे कि ये पैसे ही नहीं है, अब बैठे हैं, लॉकडाउन खुलेंगे जब तो दोबारा पढ़ाई करवाएंगे उनकी, दोबारा भेजेंगे, बेकार बैठे हैं, कोई काम नहीं है। लॉकडाउन से पहले सही काम था, बच्चों का खाना घोड़ा सब निकल रहा था, अब तो बिल्कुल काम नहीं है। उधार सुधार करके राशन उधार ला के ऐसे खा रहे बच्चे, कर्जे में खा रहे हैं। ये परचून वाला उधार कर लेता है, वहाँ से तेल आटा सामान लेकर आते हैं बच्चे, अब क्या करें, पेट में भी कुछ डालना पड़ता है। जहाँ दो टाइम की रोटी है वहाँ एक टाइम की मुश्किल से मिल रही है। परचून वाला भी कितने दिन की उधार करेगा, एक दिन की कर देगा, दो दिन की कर देगा, उनको भी दिखना है, उनके भी देने हैं। हम यूँ सोचते हैं कोई डेली का 1500 आ जाए तो खर्चा पानी चल जाए, किसी के मांगना ना पड़े, ना किसी का कर्जा रहे। दिल्ली सरकार ने कई तरह की स्कीम चलाई हुई है, फ्री राशन देने की, लोगों को राशन दिया जा रहा है, और भी कई तरह की हेल्प की जा रही है, लोग आते हैं हेल्प करने के लिए, कोई मदद नहीं करता? एक दो पब्लिक हो तो दे, इतनी पब्लिक में किस किस को दे, सरकार को भी नहीं कह सकते हम। अभी इस वक्त कोई मदद नहीं हो रही है, इससे पिछले लॉकडाउन में राशन भी आता था, साबुन तेल सब दे के जाते थे। अब की बार जब से लॉकडाउन लगा ना, किसी ने कुछ नहीं दिया है, हम लोग बड़े परेशान हैं, बहुत दुखी हो। वैक्सीन लग गई आपको? नहीं, वैक्सीन तो नहीं लगवाई अभी किसी ने। वैक्सीन नहीं लगवाई? नहीं लगवाई है। आप एक गृहिणी है, घर चलाती हैं, आप इस तरह की दिक्कत आ रही है? दिक्कत यही है कि बच्चों के लिए खाना वाना नहीं बना पा रहे टाइम से, उनकी जो ज़रूरत की चीज़ें वो नहीं दे पा रहे हैं, बहुत से कमियाँ हैं, बच्चों के पढ़ाई में नुकसान हो रहा है, नहीं पैसे होने की वजह से, कभी कभी कुछ मांगते हैं तो पैसे नहीं होते तो नहीं दे पाते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन क्या करें, अब ज़िंदगी है, जैसे ना तैसे जीनी तो पड़ेगी। आपने इनकी दिक्कत सुनी, एक परिवार है ये, बहुत दिक्कतों का सामना इन्हें करना पड़ रहा है लॉकडाउन में, कोरोना काल में, इनके पास अभी खाने पीने को पैसे नहीं हैं। सरकार को इस तरफ भी कुछ ध्यान बिल्कुल देना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। ये एक पूरी बस्ती है द्वारका के पास, मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, एक शख्स मुझे और दिखाई दे रहे हैं, इनके पास चलते हैं, इनसे जानेंगे ये काम क्या करते हैं। अंकल आप क्या काम करते हो? बड़ी देर से आपको देख रहा हूँ मैं।
मेरी झुग्गी है यहाँ पर, हमारा काम मैं चारपाई बनाता हूँ। चारपाई ये आपका घर है? हाँ। ये यहीं रहते हो आप? मुझे लेके चलोगे अंदर जरा एक बार? आओ सर। कौन रहता है अंकल आपके साथ यहाँ पे? परिवार रहता है, परिवार आज हॉस्पिटल में गए हुए थे, हमारी लड़की की डिलीवरी हुई है। अच्छा, लड़की की डिलीवरी। देखिए एक घर में आए हैं हम, यहाँ पे झुग्गी है। किस चीज़ का काम है अंकल? चारपाई बनाने का? ये चारपाई पीछे रखी है, चारपाई बनाता हूँ बेचता हूँ। चारपाई बनाते हो बेचते हो? तो अंकल अभी सेल हो रही है? सेल तो बिल्कुल 0%, जैसे सेल है ही नहीं, कस्टमर ही नहीं आते। कस्टमर ही नहीं आते लॉकडाउन के चक्कर में। इस घर, इस रूम में, इस कमरे में कितने लोग रहते हैं? हम पूरा परिवार रहता है सर। कितने लोग रहते हैं? हम, मैं, मेरी मिसेज, मेरा लड़का और उसकी बहू, मेरा पोता, बाकी दो लड़की हैं वो ब्याह दी गई हैं। 8-10 लोग इसी कमरे में रहते हैं? नहीं, फिर वो लड़की तो ब्याह गई, वो तो सब चले गए हैं, बाकी मेरा परिवार हम तो यहीं रहते हैं, बहू बेटे हम तो यहीं रहते। सरकार से किसी तरह की मदद नहीं मिलती आप लोगों को? सरकार की मदद से सब कोई मदद नहीं मिलती है। सर कहना चाहोगे? कहना चाहेंगे हम तो यही कहेंगे, भगवान करे ये जो आजकल जो महामारी छाई पड़ी है इसको भगवान दूर करे, सब खुश रहें अपने घर और धीरे धीरे लॉकडाउन खुल जाए, हमारे भी रोजी रोटी चल जाए, सबकी चल जाए। दोस्तों ऐसा एक परिवार नहीं, ऐसे बहुत से परिवार हैं, ढेरों परिवार हैं जिनके पास अभी ज़्यादा काम नहीं है, खाने पीने की दिक्कत हुआ उन्हें सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार को इनकी सुध ज़रूर लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार को, सरकार के नुमाइंदों को, जो नेता हमने और आपने चुने हैं, उनको ज़रूर जाकर देखना चाहिए अपने इलाके में किस तरह की दिक्कत आ रही है लॉकडाउन में, उन्हें क्या परेशानी आ रही है, वो ज़रूर देखना चाहिए सरकार को। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स करके बताइए कि और किस तरह की आप स्टोरी देखना चाहते हैं। सच्चाई दिखाने की मैं कोशिश करता हूँ अपने चैनल पर और सच्चाई आगे भी दिखाता रहूँगा, नेगेटिव न्यूज़ नहीं दिखाऊँगा, पॉजिटिव न्यूज़ दिखाता रहूँगा, सकारात्मक ऐसी खबरें जो आपकी ज़िंदगी में कुछ असर डालें, तो वो सकारात्मकता ही हो।